तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से हम YouTube चैनल का जो है वो वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें ये इसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे और मैं आपको आगे बताऊँगा इसमें। तो ये देखिए जो है मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है कि वैलिड आईडी किस तरह से बनती है और हिस्ट्री का कैसे होता है। तो चलिए आप चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पर आएगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपका इस तरह से आइकन होगा। आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे यूट्यूब स्टूडियो पे आएंगे। यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद आपको यहाँ सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप जो है यहाँ चैनल में आएंगे। चैनल में आने के बाद आप फ्यूचर पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी नया चैनल बनाते हैं, तो ये यूट्यूब जो है वो यहाँ पे आपका अनएबल कर देती है उसे। तो उसके लिए क्या होता है, अपलोड वीडियो आपको करना होती है, उसमें क्रिएट प्लेलिस्ट बनाना पड़ती है उसमें एंड ऐड, और ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका चैनल जो है वो फ्री एक्टिव हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं। सेकंड ऑप्शन का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ है ये इंटरमीडिएट फ्यूचर, इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आने के बाद आपका ये देखेंगे ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फ्यूचर आपका अनेबल होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमारा ये है, तो ये हमारा अनेबल हो जाएगा जब ये आप सारे काम कर लेंगे। और उसके बाद आपका ये कंप्लीट होगा, उसके बाद एंड लिखा है इन्होंने। और ये वेरीफाई फोन नंबर, तो वेरीफाई फोन नंबर से हम करते हैं इसको। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एडवांस फ्यूचर पे। तो यहाँ पे आप देखिए एडवांस फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे आपका इसमें इन्होंने कहा था स्टैंडर्ड, और इसमें थर्ड वाले में आप कह रहे हैं इंटरमीडिएट। आपका जो फ्यूचर है जो मोबाइल वगैरह वेरीफाई है वो हो जाएगा आपका, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके अंदर आप ये वीडियो वेरीफिकेशन जो है ये होता है फेस, ये फेस से वेरीफिकेशन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप करेंगे अपनी आईडी जो गवर्नमेंट की होती है उससे। तो मैंने जो है एक बनाई है, तो आईडी का बताया किस तरह से आप करते हैं, आप देख सकते हैं चैनल में। और ये जो है जब मेरा यूट्यूब ने देखा कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं है 2 मंथ के अंदर, तो इन्होंने ये मेरा चैनल हिस्ट्री जो है उसकी से मेरा ये जो है इन्होंने वेरीफाई कर दिया है। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो अगर आपका 2 मंथ जो है कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, तो यूट्यूब आपका ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई कर देगी, आपको कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, जब लॉगिन करा और देखा यहाँ जाके कि मैं इसको वेरीफाई करूँ अपने वीडियो से, फेस से, या अपनी किसी भी आईडी से, तो मैंने देखा ये मेरा चैनल जो था ऑलरेडी वेरीफाइड है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे कोई नहीं है, ये एक्सपायर की है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ये एक्सपायर मेरी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी एक्सपायर हो जाएगी। तो ये कॉपीराइट नहीं है, ये बहुत पुरानी है, 2025 को आया था, तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है इसमें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।